वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हम यहाँ सैदाबाद में और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को हैवी वेट और पले हुए शीप्स बतलाने वाला हूँ। तो सारी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जैद। जैद भाई, आपका लोकेशन कहाँ पर है? सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के बिसाइड। सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के सामने महाराजा फंक्शन हॉल की। महाराजा फंक्शन हॉल बिल्कुल अपोजिट है जी। ओके, आपके पास अभी माचरला है, गुंटूर है, अमीनगढ़ है, विलायती है, नेल्लूर ब्राउन भी है। तो सभी की डिटेल हम बात करेंगे आपसे। ये सारे सेल के हैं? जी हाँ, सारे सेल। कब से पल रहे हैं आपके पास ये? मेरे पास बच्चे थे, छोटे बच्चे लाके आप बड़े करके सेल कर रहे हैं जी। ओके, तो चलिए एक एक करके देख लेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट, आपके पास काफ़ी कलेक्शन है, लेकिन स्टार्ट इस माचरला से करेंगे। क्या डिटेल है इसकी? ये चार दांत पे है। चार दांत पे भी? और क्या वेट है इसका? इंशाल्लाह 80 प्लस आ जाता है। 80 केजी प्लस लाइव वेट, ये एक्सपेक्टेड है जी? एक्सपेक्ट। ठीक है, अंदाज़ा है। देखिए एक्सप्रॉक्स 80 केजीज लाइव वेट इसका। और माचरला डबल बोन में भी होते हैं, फर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होती। और अभी भी बाल सिल्की है इनके, नहलाए हुए जी? ओ अभी नहलाया नहीं भाई, और भी ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। फिर उस साइड पलटाइए आप, फर क्वालिटी पूरी एक्सट्रीम है इसकी। आप देख रहे हैं साइजेस वगैरह इसके, और सिंग भी काफ़ी बड़े हैं, साइज अच्छा है, एग्रेसिव भी है जी। एग्रेसिव भी। ठीक है, क्या रख रहे हैं आप इसका आस्किंग प्राइस? 56,000 आस्किंग जी। नेगोशिएबल है इसमें? बिल्कुल, स्लाइडली, एकदम स्लाइडली नेगोशिएबल करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में आपके पास सेकंड ये एक है, ये कौन सा है? अमीनगढ़। और क्या एज का है? ये दो दांत पे। दो दांत पे, दांत बतलाइए इसके। ठीक, दो दांत के ऊपर है, पूरा मार्बल सिंग, मार्बल खुर के अंदर, और पूरा स्पॉटलेस वाइट है। स्पॉटलेस वाइट, कहीं पर भी कोई मार्किंग नहीं। क्या वेट क्या होगा इसका? इंशाल्लाह 40 प्लस आ जाता है, 45 के आसपास भी इंशाल्लाह आ जा सकता है। और क्या प्राइस है इसका? 30,000 आस्किंग। उस साइड पलटाइए यार, बहुत खूब, पूरा स्पॉटलेस वाइट है। देखिए मार्बल सिंग में है, अभी सिर्फ दो दांत का बच्चा है, यानी अभी एक साल का हुआ और कुर्बानी के लायक भी है। 30,000 आस्किंग है इसमें, नेगोशिएबल भी है जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये वाला एक ओंगोल है जी, और ये कितने दांत पे है? ये चार दांत पे। चार दांत पे है। क्या वेट है इसका? इसका इंशाल्लाह 50 प्लस आ जाएगा, 50 केजी प्लस लाइव वेट जी। काफ़ी मजबूत भी है देखिए, और गोल भी है, और सबसे मेन के यहाँ पर पले हुए बकरे हैं। साइज़ वगैरह अच्छा है इसका, ओंगोल हाइट लेंथ में वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका 35,000 आसिंग प्राइस, नेगोशिएबल इसमें भी है जी, स्लाइडली। ठीक है, उस साइड पलटाइए आप, माशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में आपके पास ये गुंटूर है, और क्या एज का है? ये दो दांत पे। दो दांत पे भी, पूरे मार्बल सिंग है और कम्प्लीटली वाइट है, सिर्फ आँखों के पास हल्के से ब्राउन पैचेस है देखिए इसके। क्या वेट होगा इसका? इंशाल्लाह 50 प्लस आ रहा, 50 केजी प्लस लाइव वेट। ठीक है, एक्सपेक्टेड 45-50 लेके चलिए एवरेज। उस साइड पलटाइए आप, सभी को मुर्गी वगैरह दली हुई दिखी, डिजाइनिंग वगैरह अच्छी है, और बकरे अच्छे वजनदार है। क्या प्राइस है बोले आप इसका? इसका 29,000 आस्किंग है, पूरे बटन कान में है। ठीक है, इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएंगे जी, छोड़ देगा। देखिए माशाल्लाह पूरे सेट मेंडे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में आपके पास ये एक है नेल्लूर ब्राउन जी, और ये भी देखिए काफ़ी अच्छी हाइट के अंदर। इसकी क्या एज है? दो दांत, दो पे जी, बताइए दांत, बहुत खूब। ठीक है, छोड़ देगी। और क्या वेट है इसका? इसका भी इंशाल्लाह 45 प्लस आएगा, 45 केजी प्लस लाइव वेट। पलटाइए आप उस साइड, आहिस्ता आहिस्ता, 45-50 केजीज भी आ सकता है देखिए, क्योंकि घर के जो पले हुए मेंढे रहते हैं ये ज़्यादा टाइट रहते हैं बनिस्बत चारा चरने के। घर पे जो यानी अच्छी अच्छी जो डाइट मिलती है इसके अंदर वेट काफ़ी अच्छा होता है बकरों का, और वेट लॉस नहीं करते जल्दी जैसे जगह वगैरह बदलने से, क्योंकि आदत रहती है इनको चुन्नी वगैरह सब खाते रहते हैं। क्या रख रहे हैं आप इसका आस्किंग प्राइस? 32,000 आस्किंग, नेगोशिएबल है इसमें? बिल्कुल, स्लाइडली, स्लाइडली नेगोशिएबल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास है एक विलायती। क्या एज है इसकी? दो दांत, दो दांत पे नहीं, ये भी एक साल का हो गया। और क्या वेट है इसका? इसका इंशाल्लाह 40 प्लस आ जाएंगे, 40 केजी प्लस। बाल कितने होंगे इसके ऊपर जी? बाल कितने होंगे? 45 आएंगा इंशाल्लाह, फिर भी देखिए एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप लोग आइए 45 के आसपास लाइव वेट का अंदाज़ा है, क्योंकि काफ़ी गोल है, बाल निकलने के बावजूद भी इंशाल्लाह अच्छा दिखेंगे।
और क्या रख रहे हैं आप इसका आस्किंग प्राइस? इसका 28,000 आस्किंग नेगोशियबल है इसमें भी बहुत खूब। इसके बाद में नेक्स्ट में देखिए एक और विलायती है यहाँ पर, और नटिया विलायती आप इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट साइज़ में है, मार्बल सिंग में है। क्या है इसकी एज? दो दांत। ये भी दो दांत, यानी ये भी एक साल का हो गया, यानी पूरा एक साल आप पाल के ही सेल कर। क्या वेट है इसका? इसका भी इंशाल्लाह 40 प्लस आ जाएंगे। 40 प्लस इसका भी लाइव वेट आ जाएंगे। और क्या प्राइस है इसका आसिंग? इसका भी 28,000। ये भी 28,000, यानी दोनों विलायती का सेम प्राइस है, 28,000 आसिंग है। नेगोशियबल इसमें भी हो जाएंगे? जी। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर एक और विलायती है, कबरा विलायती। ये क्या एज का है? दो दांत। दो दांत पे है। और क्या वेट होगा इसका? चलो 35 to 40 आ जाता। 35 to 40 केजीज लाइव वेट। नटिया विलायती है, देखिए शॉर्ट साइज़ में जो आते हैं, ब्लैक सिंग है इसके, चेहरा ब्लैक है, चारों पैर ब्लैक है इसके, कबरे कलर में जो ब्लैक एंड वाइट आता वो वाला। अगर आप महिला लेंगे तो और खूबसूरती भी बढ़ जाएंगी इसकी। उस साइड पलटाइए आप, माशाल्लाह। और पूरे करली है ना इसके बाल? जी हाँ। देखिए दूसरों के ऐसे नहीं है, मैं इसका क्लोजअप भी आप लोगों को बता दूँगी, देखिए बाल की खूबसूरती से। क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आसिंग आप? इसका 28,000। 28,000 ये भी आस्किंग प्राइस है जी। इसमें भी नेगोशियबल जी। ठीक है। और शॉर्ट कान में देखिए साइज़ वगैरह अच्छा है इसका। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा विलायती है वो भी लाइए, छोटा विलायती का। नेक्स्ट में आपके पास एक और विलायती है, और ये क्या एज का है? अदन से। अदन बच्चा है, मार्बल सिंह है इसके, पूरा वाइट है, पीछे के और सामने के पैरों पे हल्के से ब्लैक शेड्स है। क्या वेट रहेगा इसका? 35 to 40 kgs लाइव वेट। और इसके बाल भी कटे हुए हैं जी। ठीक है। उस साइड पलटाइए आप, माशाल्लाह पूरा गोल है। देखिए विलायती वेट ज़्यादा बढ़ा थे, साइजेस अच्छे होते हैं इनके। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका आस्किंग प्राइस 21,000 है। 21,000 आस्किंग प्राइस, नेगोशियबल है इसमें भी। ओके। और क्या है आपके पास? बस फिलवक्त यही। आपका एड्रेस बताइए एक बार। सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल। सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के बिल्कुल बिसाइड, बिल्कुल इलाइट के पास में भी अगर आप आए कोई तो पिक कर लेंगे ना, या व्हाट्सएप पे अगर कोई कॉल कर लेंगे तो लोकेशन भी आप भिजवा देंगे जी। देखिए पूरे सेट यहाँ के मेंढे हैं, और जैसे मैं आप लोगों को बतलाया था कि यहाँ पर एक साल तक घर पे पाल के सेल कर। पिछले साल भी आप जो कलेक्शन बतलाए थे वो भी पूरा पला हुआ ही जानवर था ना जी। लास्ट ईयर जो बनाए थे आपके पास में या गेट के बाहर जी। तो वो भी देखें, ये भी देखिए आप यहाँ के पूरे मेंढे ये देखे हुए हैं वीडियोज़ में, और कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, वेट वगैरह काफ़ी साइज़ के अंदर है इनके। तो आइए आप लोग पर्सनली विज़िट करके देख लीजिए। इसी तरह मैं बहुत सारे अपडेट्स बतलाऊँगा आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।